हाय हेलो, मैं डॉक्टर आशा गावड़े आज आपके लिए बहुत ही कॉमन और ऑलमोस्ट डेली ओपीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बोलने वाली हूँ कि डॉक्टर मैं चाइनीज फूड खा सकती हूँ क्या? अभी मेरा दूसरा महीना चल रहा है, अभी मेरा सातवां महीना चल रहा है, तो मैं चाइनीज़ फूड खा सकती हूँ क्या? बहुत ज़्यादा पेशेंट के क्वेश्चन रहते हैं, क्रेविंग होता है प्रेगनेंसी में, तो चाइनीज़ यानी क्या? चाइनीज़ जो है जो चाइना में चाइनीज़ फूड खाते हैं, फिर वो लोग तो रूटीनली चाइनीज़ फूड खाते हैं, फिर उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं होता है क्या? नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो चाइनीज़ फूड बनाते हैं और अपने इंडिया में जो चाइनीज़ फूड बनाते हैं उसमें डिफरेंस है। इंडिया में जो चाइनीज़ फूड बनाते हैं उसमें एक अजीनोमोटोज़ करके घटक वो लोग यूज़ करते हैं, इट एज अ फ्लेवरिंग एजेंट या टेस्ट बढ़ाने के लिए वो लोग यूज़ करते हैं, जो कि है सोडियम मोनोग्लुकोनेट। तो ये जो घटक है सोडियम मोनोग्लुकोनेट, ये फ्लेवरिंग एजेंट या टेस्ट बढ़ाने के लिए वो चाइनीज़ फूड में वो लोग यूज़ करते हैं, होटल में या स्ट्रीट फूड में। तो अभी उसका मेन प्रॉब्लम क्या है कि वो पेशेंट के लिए भी और बच्चे के लिए भी थोड़े बहुत उसके इश्यूज़ हैं, इसलिए हम लोग प्रेगनेंसी में आइडियली बाहर का बनाया हुआ चाइनीज़ फूड नहीं बोलते। अभी प्रेगनेंसी रिलेटेड यानी पेशेंट के लिए क्या प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा स्पाइसी फूड आता है, इसकी वजह से पेशेंट को एसिडिटी होने की रिस्क रहती है, पाल्पिटेशन होते हैं, वॉमिटिंग की रिस्क रहती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आता है। और रिगार्डिंग बेबी जो है, मेनली वो अजीनोमोटोस करके जो घटक है जिसका बच्चे के ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम जो डेवलपमेंट रहती है, फंक्शनल एंड एनाटोमिकल ब्रेन डेवलपमेंट पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसलिए हम लोग आप जो अजीनोमोटोस वाला चाइनीज फूड बोलते हैं उसको नहीं बोलते। अभी उसके लिए वे आउट क्या है, तो आप घर पर नूडल्स खरीद के, घर पर बॉयल करके घर पर चाइनीज़ फूड बना सकते हैं, जिसमें आप ये अजीनोमोटोज यानी सोया सॉस या चिली सॉस जो डालना है वो नहीं डालने का, उसमें आप वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, स्प्राउट्स डाल सकते हैं या और कुछ टेस्ट के लिए अपना रूटीन मसाला यूज़ कर सकते हैं और वो चाइनीज़ फूड खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बस वही समझाया है कि आपको ऐसा नहीं कि चाइनीज़ फूड स्ट्रिक्टली प्रेगनेंसी में नहीं खाना है, आप चाइनीज़ फूड खा सकते हैं, सिर्फ ये है कि आप बाहर पे बना हुआ खाने की जगह घर पे बनाया हुआ खाओ, जिसमें आप सोया सॉस और चिली सॉस नहीं यूज़ करेंगे। अभी मेन इम्पॉर्टेंट थिंग कि चाइनीज़ फूड आपके सिर्फ क्रेविंग के लिए खाना है, एज सच बच्चे को इसका कुछ एडवांटेज नहीं होने वाला है, क्योंकि इट्स ऑल हाई कार्बोहाइड्रेट फूड, जिससे आपका ही वेट बढ़ने वाला है, आगे चल के डायबिटीज़ हाइपरटेंशन की रिस्क रहेंगी, डिलीवरी होने के बाद में वो वेट कम करना भी मुश्किल रहेगा। तो आपको वंस इन अ वीक, वंस इन अ 15 डेज या वंस इन अ मंथ अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा है कि डॉक्टर चाइनीज़ खाने की इच्छा हो रही है, तो आप घर पर चाइनीज़ बनाओ और खाओ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।